अस्सलामुअलैकुम ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं, और मैंने लगा ली है मशीन आज मॉर्निंग में ही, और काफ़ी सारे कपड़े जो थे वो इकट्ठा हो गए हैं, और यहाँ पर मैंने मशीन को ऑन कर दिया है और पानी वगैरह भी भर लिया है काफ़ी सारा। और उसके बाद मैंने सीधा ही शूट किया था, सारे कपड़ों को मैंने वॉश कर दिया है अच्छे से, कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गए थे, अच्छे से इनको मैंने ड्रायर में घुमा लिया है। उसके बाद में मैंने इनको यहाँ पर डाल दिया है, कुछ कपड़े जो कि हैंगर में आ जाते हैं छोटे वाले उन्हें मैंने यहाँ पर डाल दिया है, हैंग कर दिया है, और बाकी सारे कपड़े मैं सामने वाली छत पर यहाँ पर डालूँगी। वहाँ पर भी 2 से 3 रस्सियाँ बंधी हुई है, अच्छे से वहाँ पर कपड़े आ जाते हैं सारे। इतने सारे कपड़े धोने के बाद और सारी क्लीनिंग मैंने अच्छे से कर दी थी रूम्स की, और उसके बाद में मेरे कपड़े थोड़े से गीले हो चुके थे, और नहाने के बाद मैं अपने कपड़े भी वॉश कर दूंगी, इसलिए मैंने मशीन को ओपन किया हुआ है, ड्रायर को सॉरी। और यहाँ पर एक काम और रह गया था अभी मेरे पास, ये वाइपर की रबड़ थी जो कि ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा घिस चुकी थी, और इसलिए मैंने इसकी पहले भी एक बार रबड़ चेंज की है, और ये देखें बिल्कुल पतली सी रबड़ रह गई है वो, तो इसलिए मुझे इसे चेंज करना था। इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था, इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना सारा टाइम इसमें लग जाएगा मेरा, बट इसमें कम से कम मुझे आधा घंटा इसमें लग गया था इसको बदलने में, और ये रबड़ मैंने चेंज कर दी है यहाँ पर। और काफ़ी सारे टूल्स भी मैंने यहाँ पर लिए हुए थे, और ये अच्छे से मैंने कर दी थी ठीक। वाइपर मेरा फिर से एकदम अच्छा हो गया था, अच्छे से पानी को साफ़ कर रहा था, और उसके बाद में मैंने अपने सारे कपड़े यहाँ पर वॉश कर दिए थे। और यहाँ पर ये कबूतर बैठे हुए थे बहुत ही प्यारे, एक बिल्कुल वाइट था और एक ब्लैक और वाइट था, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे दोनों। और हल्की हल्की धूप आ रही थी, और यहाँ पर ये मौसम का मज़ा ले रहे हैं दोनों। और यहाँ पर कपड़े मैंने अच्छे से अपने सुखाने के लिए डाल दिए हैं, इनकी भी मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली थी, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे दोनों। उसके बाद में हम खाना खाने लगे थे, और शाम का ही सीधा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। शाम हो गई थी तो अभी यहाँ पर चिकन कोरमा है और बिरयानी है, और ये मैंने रोटियाँ बनाई थी, और कुछ रोटियाँ रखी हुई थी जो कि होटल वाली रोटियाँ हैं, ये एक्चुअली मैं कहीं से आया था हमारे यहाँ पर खाना, तो वही हम खा रहे थे अभी। उसके बाद में सारे कपड़े मेरे अच्छे से ड्राई हो गए थे, तो इनको मैंने रख दिया है अच्छे से, इनको मैं फोल्ड करूँगी और फिर उसके बाद में मैं इन्हें रख दूँगी एक साइड पर। नेक्स्ट डे हो गया था और दोपहर का टाइम था, मैं बना रही थी यहाँ पर सोयाबीन के शामी कबाब, और ये थी रोटियाँ, और गाजर आलू की सब्ज़ी थी, मटर मेरे पास अभी नहीं था तो गाजर आलू की ही सब्ज़ी मैंने बनाई थी, और ये भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है इस सीज़न की। और यहाँ पर मैं रोटियाँ बना रही हूँ, और साथ में मेरे हस्बैंड को छाछ भी लेना था इसके, तो मैंने छाछ भी एक बाउल में रख रखा था, एक भगोने में सॉरी रखा था, और इसके बाद में मैंने एक ग्लास में इनको निकाल कर दे दिया है। और मेरे हस्बैंड जो है छाछ वगैरह लेते हैं तो उसमें चटनी वगैरह ज़रूर ऐड करते हैं काले नमक के साथ, और चटनी वगैरह ज़रूर इसमें ऐड करते हैं, उन्हें ऐसे ही पसंद है। और साथ में मैंने रोटियों पर भी थोड़ी सी चटनी लगा दी है, जो कि मैंने लाल मिर्च होती हैं कश्मीरी वाली, वो ज़्यादा तीखी नहीं होती हैं, उनकी बनाकर रखी हुई थी, और साथ में घी के साथ रोटियों को घी लगाकर भी अच्छे से दे दिया है ताकि स्पाइसी ना लगे कुछ भी ज़्यादा। और ये रख दिए हैं मैंने थोड़े से शामी कबाब जो कि मैंने सोयाबीन से बनाए, और दोपहर में देसी खाना खा के एकदम मज़ा आ गया, और कभी कभी ऐसे अच्छा लगता है इस तरह से खाना। काफ़ी दिन पहले हम देहरादून गए थे तो वहाँ पर हमने इस टाइप के जो बॉयल एग हैं और ऊपर से इन्होंने हरी मिर्च और प्याज हरा धनिया और केचप वगैरह यहाँ पर ऐड कर रखी थी, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे, और तब से ये मेरे बेटे के फेवरेट हो गए हैं, खुश हो जाता है बहुत ज़्यादा, और बस वो खाने के लिए लेकर जा रहा था।
ये उसके बाद सीधा मैं नेक्स्ट डे का शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट डे मैंने बनाया था सोयाबीन और चने की दाल के चावल बनाए थे, पुलाव भी आप कह सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगते हैं और ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह मैंने इसमें ऐड नहीं किए हैं, और इसी तरह से मैंने ये बनाए थे, बहुत ज़्यादा यम लग रहे थे। और उसके बाद में मैंने थोड़ी सी मिर्चें भी फ्राई की थी, हरी मिर्चें आमचूर वगैरह डाल के ये सभी मैंने इसमें फ्राई की थी अलग से। और किसी भी चीज़ के साथ, कोई भी सब्ज़ी के साथ या फिर चावल के साथ इनको खाते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ये मिर्चें। उसके बाद में मैं डिश आउट करने लगी थी और ये बहुत ज़्यादा खिले खिले चावल बने थे एकदम। और ये देखें, चटनी और रायता भी मैंने साथ में बनाया था और बहुत ज़्यादा अच्छा सा हमने लंच किया था। और उसके बाद में जैसे कि अंडों का सीज़न ही स्टार्ट हो गया है, सर्दियां शुरू हो गई हैं, तो मैंने बनाया था शाम में ऑमलेट बनाया था और साथ में बनाई थी मैंने चाय। ये 2-3 दिन की वीडियो मैंने मर्ज करके डाली है, एक साथ अपलोड की है, और काफ़ी दिन बाद मैंने वीडियो अपलोड की है, और इंशाल्लाह आपसे कंटिन्यू रखूँगी वीडियो को। और अगर आज की आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें, मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें। Wing, oh, Sunday.